अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यकूब टेक्निकल ट्रैक्स। तो यकूब टेक्निकल ट्रैक्स में खुश आमदीद दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ नोकिया 3310 न्यू मॉडल। तो इसमें कीपैड की प्रॉब्लम था, कीपैड वर्क नहीं कर रहा था और वर्क कर रहा था तो जब इसको बंद करते तो फिर से वही मसला करता था। अभी मैंने इस मोबाइल को रिपेयर किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी ये मोबाइल रिपेयर भी हो गया और बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। इसका एक दो और तीन वाला बटन जो है ना, ये सही तरीके से जो है ना वर्क नहीं कर रहा था। अब इसको सेट किया है, इसका जो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट होता है ना, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर लोड नहीं था, इस पर भी लोड था, यहाँ इस पर भी लोड आ रहा था, यहाँ पे भी लोड आ रहा था और पॉजिटिव पे नहीं आ रहा था। और आप दोस्तों को बता देता हूँ कि जो ये है ना, यहाँ से ये हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, ये एक ही लाइन होती है, यानी कि यहाँ से ये एक ही लाइन आ रही होती है। तो जब एक में नहीं आ रहा होगा ना तो तीन बटन ये वर्क नहीं करेंगे आपके। तो अगर ये आपको 1 2 3 वाला बटन सेट करना हो या वर्क में लाना हो तो आप दोस्त इस तरह से ये देख सकते हैं कि मैंने अभी ये देखें जंपर लगाया हुआ है। तो आप दोस्तों ने ऐसे जंपर लगाना है, जंपर लगाने से पहले यहाँ पे जो ये आईसी टेप लगी हुई है ना यहाँ पे, तो ये सबसे पहले आपने ईसी टेप लगा लेनी है और उसके ऊपर ये देखें ये तार ली हुई है जंपर वायर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेकर ना आपने सोल्ड कर देना है यहाँ पे, तो ये है प्लस वाला निशान बटन का। तो उसके ऊपर फिर ये ईसी टेप आपने लगानी है, क्योंकि जब आप ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे ना, जब ये जंपर वायर लग जाएगी तो उसके बाद जब आप बटन दबाते हैं ना कुछ दिन तक ये बिल्कुल तार काट जाती है या बिल्कुल खुद ब खुद काम करना शुरू हो जाते हैं कीपैड, तो आपने ये टेप लगानी है। तो ये खुद ब खुद वर्क में नहीं आएंगे जब ये टेप लगाएंगे आप। तो आप दोस्तों को मैं दिखाऊंगा कि आप दोस्त जो है ना किस तरह से और कहां से ये जंपर ले सकते हैं 1 2 3 वाला बटन सेट करने के लिए। तो आप दोस्तों को ये दूसरी साइड दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जूम करने जा रहा हूँ आप। ये देखें, एक तो यहाँ पे फ्रंट है ये वाला, ये इसके साथ वाला जो है ना, ये चेक कर लें, फिर से जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब क्लियर दिख रहा है, ये देखें इसके साथ एक पॉइंट है, उसके साथ जो पॉइंट है ये यहाँ से जंपर लेना है आपने। तो आपका जो है ये फॉल्ट हल हो जाएगा। और उसके बाद ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये पानी की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो आप दोस्त देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें ये ब्रिक ब्रिक सी लाइनें होती हैं यहाँ से, ये वाले ये पानी की वजह से ना डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो आपको कोई भी इश्यू हो, मसला हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं। और हमारा ये चैनल है यकूब टेक्निकल ट्रैक्स, तो यकूब टेक्निकल ट्रैक्स को सब्सक्राइब करें। और कोई भी भाई को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में भी पूछ सकता है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर भी किसी मोबाइल के बारे में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।